Hello students, welcome to the 7th current affairs class for 2019. And in this class, I will be dealing with a very important development, lateral entry. Ye topic bahut important hai GS paper 2 point of view se plus GS paper 4 point of view se. Public administration optional mein already iske upar question pucha ja chuka hai 2016 mein. Dobara aane ke kafi zyada chances hai. So first of all, we'll be understanding lateral entry क्या चीज़ है। इसको समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा bureaucracy को, bureaucracy के concept को। ना जो bureaucracy का concept है, वो कहता है कि एक अच्छा प्रशासन होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जितने लोगों का भी entry हो civil services में, जितने लोग भी join करें civil services में, वो एक merit system के ऊपर join करें। मेरिट एक बेसिस होना चाहिए. मेरिट का ऑपोजिट क्या है? मेरिट का ऑपोजिट है नेपोटिज्म. भाई भतीजावाद नहीं चाहिए प्रशासन में. ऐसा नहीं है कि कोई किसी को जानता है, मंत्री जिसको पसंद करता है उसको आईएएस ऑफिसर लगा दे या मंत्री जिसको नहीं चाहता है उसको हटा दे. ये रहता है स्पॉइल्ड सिस्टम. मेरिट सिस्टम का ऑपोजिट है स्पॉइल्ड सिस्टम. स्पॉइल्ड सिस्टम को खत्म करने के लिए ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम्स वर्ल्ड ओवर लगाए गए ताकि उसे एफिशिएंसी आ जाए, इफेक्टिवनेस आ जाए और प्रशासन में इकोनॉमी आ जाए, अच्छी तरह से प्रशासन चलता रहे. बट क्योंकि ब्यूरोक्रेसी एक क्लोज्ड सिस्टम है, पहले आदमी ज्वाइन करता है यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी में लोअर लेवल के ऊपर, जब उसका ज्वाइनिंग होता है फिर वो ऊपर इंक्रीज हो जाता है, उसका प्रमोशन हो जाता है, फिर वो हायर लेवल पे जाता है, तो इसको कोई कंपटीशन नहीं मिलता है ब्यूरोक्रेसी को. उसी की वजह से ब्यूरोक्रेसी में इनएफिशिएंसी बहुत आ जाता है और कॉम्प्लेसेंसी आ जाता है आईएएस ऑफिसर्स में, क्योंकि कोई कंपटीशन ही नहीं है. उनको पता है कुछ सालों के बाद प्रमोशन होते रहना है. बट आज के सिनारियो में, आज की सिचुएशन में वर्ल्ड बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है और टेक्नोलॉजी बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है, और जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स स्किल्स सीख लेते हैं, और जो ब्यूरोक्रेसी है वो इतने स्किल्स नहीं सीख पाती है. ज़्यादातर ब्यूरोक्रेसी का जो फोकस रहता है वो रूटीन वर्क के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है. तो इन सब कमियों को दूर करने के लिए, एक तो इनएफिशिएंसी जो ब्यूरोक्रेसी में है, कॉम्पिटिशन नहीं फील होता उनको, सेकेंडली नए स्किल्स लेके आने के लिए एक नया ब्लड आ जाए सिविल सर्विसेज में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लेटरल एंट्री को अलाउ कर दिया है कि बाहर से लोग सिविल सर्विसेज को ज्वाइन कर सकते हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल के ऊपर. तो आज की डेट में ज्वाइंट सेक्रेटरी का जो लेवल है वहां पे आईएएस ऑफिसर्स ही आते थे, बट फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स 5 आईएएस ऑफिसर्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स को ज्वाइन करेंगे ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल के ऊपर. अब इसका बेनिफिट क्या होगा? पहला बेनिफिट तो एक फ्रेश ब्लड आएगा, फ्रेश आइडिया आएगा, और जो अंदर ब्यूरोक्रेसी है उसको कंपटीशन काफी ज्यादा मिलेगा. अब इसका नुकसान क्या? नुकसान बहुत बड़ा है इसका. पहला नुकसान है इसका न्यूट्रैलिटी को लेके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ सिविल सर्विसेज में जो भी आईएएस लोग रहते हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स रहते हैं, प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं, माना जाता है कि वो हर एक पॉलिटिकल पार्टी को इक्वली सर्व करते हैं. बट अगर किसी गवर्नमेंट ने, लाइक अगर हम सपोज करें नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने अब नए आईएएस ऑफिसर्स को अपॉइंट करेंगे लेटरल एंट्री पे, इनका कोई एग्जाम तो नहीं होगा, सिर्फ एक इंटरव्यू से उनको आईएएस लगा दिया जाएगा ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल के ऊपर. अब इस तरह के लोग जिनको बीजेपी गवर्नमेंट लगाएगी सिर्फ एक इंटरव्यू के बेसिस के ऊपर, तो पहला तो ये इंक्रीज करेगा नेपोटिज्म, स्पॉइल्ड सिस्टम आ जाएगा. और ये प्रशासनिक अधिकारी जो बीजेपी के टाइम पे लगेंगे, ये कांग्रेस की सरकार को सपोर्ट नहीं करेंगे, ये कांग्रेस की सरकार का कोई काम नहीं करेंगे, कांग्रेस के मंत्रियों को सही एडवाइस नहीं देंगे. अगर 2019 के बाद कांग्रेस का गवर्नमेंट बनता है, सिर्फ सपोज कर रहे हैं,
तो सबसे बड़ा नुकसान क्या है लेटरल एंट्री का, कि स्पॉयल सिस्टम क्रिएट हो जाएगा। ये सिस्टम बहुत पहले होता था, हमने इसको बंद क्यों किया था, ताकि जो पॉलिटिक्स है और एडमिनिस्ट्रेशन है बिल्कुल सेपरेट रहे। पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन का कोई आपस में रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, बोथ ऑफ देम शुड बी सेपरेट, देयर शुड बी नो इंटरफेरेंस ऑफ द पॉलिटिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन। उस सिस्टम को बचाने के लिए हमने ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम लगाया था। लेटरल एंट्री से ये एक गलत प्रीसीडेंट सेटअप हो सकता है। गलत प्रीसीडेंट का क्या मतलब है कि पेंडोराज बॉक्स खुल सकता है, इसके बाद में बहुत सारी सर्विसेज ओपन की जा सकती हैं लेटरल एंट्री के लिए। और जब लेटरल एंट्री आएगा तो प्रशासनिक अधिकारी पॉलिटिकल पार्टीज को बिलोंग करा करेंगे रेदर देन बीइंग न्यूट्रल, न्यूट्रली सर्व नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है लेटरल एंट्री का। तो इसके फायदे भी बहुत हैं, इसके नुकसान भी बहुत हैं। प्रेजेंटली इंडिया को क्या चाहिए? इंडिया का जो प्रशासनिक सिस्टम है, हमें चाहिए कि हम उसमें सुधार लेके आए। जो आईएएस ऑफिसर्स का ट्रेनिंग होता है उसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए। हमें क्या नहीं चाहिए? हमें लेटरल एंट्री नहीं चाहिए, क्योंकि स्पॉयल सिस्टम आ सकता है। हमें चाहिए कि हम अपने आईएएस ऑफिसर्स का कैपेसिटी बिल्डिंग करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उनको अच्छी अच्छे स्किल्स प्रोवाइड किए जाएँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्किल प्रोवाइड किए जाएँ, प्लस उनको और इक्विटी ओरिएंटेड बनाया जाए। क्योंकि जितने लोग भी प्राइवेट सेक्टर में ज्वाइन करेंगे लेटरल एंट्री में सरकारी प्रशासन को, उनको एफिशिएंसी तो पता होगा, उनको इफेक्टिवनेस भी पता होगा, बट जो सिविल सर्विसेज की वैल्यूज हैं, जो एक प्रशासनिक अधिकारी का वैल्यू होना चाहिए कि एक इक्विटी के ऊपर फोकस करना है, एक इक्वालिटी के ऊपर फोकस करना है, गरीब को किस तरह से देखना है, एक पिछड़े वर्गों का किस तरह से ध्यान रखना है, इसका वैल्यू सिस्टम नहीं रहेगा प्राइवेट सेक्टर वाले जो भी ज्वाइन करेंगे सिविल सर्विसेज में। सो दिस वॉज ऑल फॉर द क्लास। कुछ भी आपको समझ नहीं आया, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट माई व्हाट्सएप नंबर 8459400000, एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर ऑफलाइन क्लास बैचेज एट दिल्ली एंड एट चंडीगढ़। प्लस हमारा जो वीडियो क्लास पैकेज आता है उसको भी आप बाय करके प्रेपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। प्लस आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं मेंस के लिए, उसमें हम इनडेप्थ इवेल्युएशन करते हैं आंसर राइटिंग का। ये नहीं किसी स्टूडेंट से चेक करवा लिया, उसको बहुत इनडेप्थ एनालिसिस करके उसका इवेल्युएशन किया जाता है। उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एक रिक्वेस्ट है आप सबसे जो भी ये क्लास देख रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए जो भी आपका सोशल मीडिया के ऊपर, आप इंस्टाग्राम पे हो, व्हाट्सएप पे हो, फेसबुक पे हो, क्यों बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करते हैं। सबसे पुराना चैनल है ये वाला हमारा, हमारे बाद ही सब लोगों ने शुरू किया रोमन सैनी टाइप, पर यहाँ पे इस चैनल पे हम बहुत क्वालिटी देते हैं जिससे सिलेक्शन होता है। तो हमें प्रमोट कीजिए, थोड़ा सा शेयर कीजिए, थोड़ा हेल्प मिलेगा हमें। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस नाइस डे।